पिरामिडों के बारे में जो 10 सबसे ज्यादा प्रचलित अनसुलझे रहस्य हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पिछले लेख में आपको चांद से जुड़े रहस्य के बारे में बताया था, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब मिस्र के पिरामिड के 10 अनसुलझे रहस्य के बारे में। पहला नंबर, अभी तक तो सभी यही मानते आते हैं कि पिरामिड की बस 4 दीवारें हैं, लेकिन गीजा के महान पिरामिडों में 8 दीवारें मिली। 1940 में एक ब्रिटिश पायलट जब पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था तो उनसे ऊपर से एक तस्वीर ली तो उसको तस्वीर में दिखा कि पिरामिड में 4 नहीं बल्कि 8 दीवारें होती है। उससे देखा कि चारों साइड दो दो भागों में बड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वो 8 साइड तब दिखाई देती है जब वसंत ऋतु और शरद ऋतु का सूर्य अस्त होता है। इससे तो साफ जाहिर है कि मिस्रवासी उस वक्त सूर्य चक्र और आधुनिक गणित भी जानते थे, तो उनको ये गणित किसने दिखाई सोचने का विषय है। नंबर 2, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे तब ना टी कोई दूर संचार जैसी सुविधा थी और ना ही कोई इंटरनेट। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाना भी आसान नहीं होता था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय चक्र में एक जैसा स्क्रक्चर बना रहे थे, क्योंकि चाइना, इंडोनेशिया, गीजा, साउथ अमेरिका और मिस्र की पिरामिड सबके सब एक जैसे हैं। मानो कोई इसको बता रहा हो कि इनको ऐसे बताना है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक जैसे समय में एक जैसा भवनों का निर्माण किया गया, जबकि तब संचार की कोई सुविधा नहीं थी। यदि आप देखेंगे तो आज भी अलग अलग देशों में अलग अलग भवन निर्माण थैली देखने को मिलती है। कोई लोग इसको कनेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना ही कहते हैं। नंबर 3, दुनिया में इतने सारे पिरामिड हैं, लेकिन आज तक किसी में भी कब्र नहीं मिली। कुछ का कहना है कि लुटेरे और एलॉजिस्ट ने इनको लूट लिया है, लेकिन किसी की कब्र को लूटना या बात कुछ अजीब सी लगती है कि कई बार तो पिरामिड में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही लगता है कि पिरामिड किसी और मकसद से बनाए गए थे। वो किस मकसद से बनाए गए थे वो अभी तक की रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4, पिरामिड के अंदर की दीवारें ग्रेनाइट की ब्लॉक से बनाई गई थी जिनकी 130 है और ये गीजा के आसपास कहीं नहीं मिलते। इनको 500 मील दूर से लाया गया था। हर ब्लॉक 12 से 20 टन का है। ये ब्लॉक 1210 फीट को जकड़े हुए है, जो आज की आधुनिक मशीनों से भी नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त इतने भारी भरकम सामान को कैसे उठाया गया होगा और कैसे लगाया गया होगा, एक आश्चर्य है। नंबर 5, अलग अलग आकार के पत्थरों का उपयोग पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया, जो अलग अलग आकार के थे, जिससे किसी भी दीवार को बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी ऊपर का चेंबर बिल्कुल उत्तरप्रेत हॉरिजॉन्टल है। 100 सालों के भूकंपों के झेलने के बाद भी हर पत्थर पूरी तरह से अपनी जगह में टिका हुआ है। नंबर 6, कम जगह। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 चेंबर है और सांस लेने के लिए कठोर पत्थरों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई थी। 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जो सबसे नीचे के चेंबर में जाती है। कई आर्किटेक्ट का मानना है कि सुरंग के पतले होने के कारण काम करना बहुत मुश्किल रहा होगा। सुरंग को एक
एक एंगल में बनाने के लिए स्पेशल औजार और कॉमेट्री की जरूरत पड़ी होगी और जो उस वक्त थी ही नहीं। नंबर 7, ध्रुवों की सटीक जानकारी। पिरामिड को इस तरह से बनाया गया कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करे, जो कि पूरा तरह सटीक है। जबकि हमको 17वीं सदी में पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सटीक ध्रुव होता है। नंबर 8, आर्किटेक्ट का मानना है कि पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे, जैसे 20 लाख पत्थरों से बनाया गया है, जिससे साल के 365 दिनों में 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, जिसके अनुसार पत्थर को ताराशाने निकालने और अपनी जगह फिट करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगे होंगे। अब ये बात अजीब सी लगती है कि किसी पत्थर को निकाल जाए, तराशा जाए और अपनी जगह फिट किया जाए, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। आप इस बात को सोचते रह जाएंगे कि बिना मशीन का उस वक्त इतना फास्ट ये सब कैसे बनाया। नंबर 9, मसूली औजार। आर्किटेक्ट का मानना है कि पिरामिडों को बनाने में लोहे का नहीं बल्कि तांबे की छेनी और पत्थर की हथौड़ी की उपयोग किया गया था। है ना अजीब आज, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे पास सभी सुपर कंप्यूटर ट्रेंड और ने सभी तरह की मशीन है, फिर भी इस तरह के भवनों को बनाना मुश्किल साल लगता है। नंबर 10, आर्किटेक्ट का मानना है कि इनको अनाज और बहुमूल्य वस्तु का संग्रह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पिरामिड पृथ्वी की खास जगह पर बनाए गए हैं। ये पृथ्वी की खास जियोग्राफिकल सेंटर में बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी के सबसे लंबे अक्षांश और देशांतर आकार मिलते हैं। तो धन्यवाद आपको, इतना ही। अगली वीडियो में आपको कुछ और ज़रूरी तथ्य दूंगा पिरामिड के बारे में।